सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसे कैसे ट्रेड करा जाता है उसे कैसे ड्रॉ करा जाता है अगर कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है और दोबारा वो नीचे आ जाता है तो हम उसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट उसे कैसे आइडेंटिफाई करा जाता वो है वो अन कैसे हुए उससे सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को और यही एक लौटती वीडियो है जिसपे आपको सारा का सारा नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू सो so, चलिए शुरू करते हैं हाय गाइस मैं हूं शिवांश भसीन आप लोगों का दोस्त एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद आप में और इंटरेस्ट आएगा स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए एंड मैं ऐसी डेडिकेटेड वीडियोज हर वीक दो लेकर जरूर आते रहूंगा एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक भी आप जरूर कर सकते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम कौन से कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है एंड uh, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ दूंगा और आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा सेकंड चीज़ जो कि ज्यादातर लोग आप लोगों को नहीं बताते हैं आपको बताते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाना है बट आपको ये नहीं बताते कि आपको क्या नहीं करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय तो सेकेंड हमारा जो होगा वो होगा वॉट नॉट टू डू ठीक है थर्ड होगा हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज्यादातर लोगों ने आप लोगों को एक ही पैटर्न के थ्रू बताया कि ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है बट एक्चुअल में ऐसे तीन तरीके होते हैं जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं हाउ टू ड्रॉ हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कैसे करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसके भी तीन स्ट्रेटेजीज हैं तीन तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं एंड लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट तो ये सारी बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में एंड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्रोडक्शन का तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है सपोर्ट बेसिकली आपको पता होगा सपोर्ट यानी कि जो आपको सपोर्ट देता हो ठीक है जो आपकी मदद करता हो ठीक है एंड इसको अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू में बताऊं तो सपोर्ट एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ में लेकर चलते हैं एंड एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपके बेस्ट फ्रेंड्स ठीक है आपके बेस्ट फ्रेंड्स की हम बात करते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके तीन फ्रेंड्स हैं ठीक है एक आपका जो बहुत बढ़िया फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है एंड आपके जो दो फ्रेंड्स हैं वो आप उनसे कम मिलते हैं बट आपका बेस्ट फ्रेंड बहुत सही है ठीक है होता क्या है आपको कोई भी डिप्रेशन हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आपने कोई चीज़ पता करी हो तो आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने फ्रेंड को बताने के लिए ठीक है तो क्या होता है जब अब भी आप अपने लो लेवल पे होते हैं एंड लो पॉइंट पे होते हैं आप अपने फ्रेंड के, के पास जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं एंड आप उसे कंसल्ट करते हैं आप उन्हें अपनी चीज़ें बताते हैं वो आपको संभालता है एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और आप वहां से बाउंस करने की कोशिश करते हैं यानी कि कोप अप करने की कोशिश करते हैं तो यानी कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको बुरे वक्त में सपोर्ट करता है सेम तरीके से क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक नीचे आ रहा होता है तो उसके पास एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है यस yes. जो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है और वो जब सपोर्ट पे आता है तो वो कोप अप करने की कोशिश करता है अगर वो कोप अप कर लेता है या अगर वो समझ जाता है तो वो स्टॉक वहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है या अगर वो चीज़ नहीं समझ पाता या फिर अगर उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे गलत सलाह दे दी और वो उसके लिए उल्टी पड़ गई तो वो वहां से नीचे भी आना स्टार्ट कर देता है अब जब वो नीचे आना स्टार्ट करता है तो वो कहा जाएगा जब सपोर्ट पे था आप बेस्ट फ्रेंड जब जब तक बेस्ट फ्रेंड ने साथ दिया और उसने कोप अप कर लिया जो बंदा था आपसे एंड वहां पर आपने देखा कि आप कोप अप करके ऊपर तो चले गए बट अगर कभी ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि उसने आपको कोई सलाह दी हो एंड वो आपके लिए ही उल्टी पड़ गई हो और आप सोच रहे हो कि यार अब मैं इससे क्या बात करूंगा अगर मैंने दोबारा बात करी तो मेरे लिए दोबारा उल्टा हो सकता है तो आप उसी सपोर्ट से जहां पर जो आपका सपोर्ट सिस्टम था आप उसी से दूर जा रहे हो ठीक है यानी कि अपोजिट साइड में दूर जा रहे तो यानी कि सपोर्ट ब्रेक होता है जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो कहां तक जा सकता है वो सिर्फ उस जगह जा सकता है जहां पे उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड्स हो तो आपको पता ही है कि स्टॉक कंटीन्यूअसली तो फॉल करेगा नहीं एक जगह जाके पॉज लेगा जहां जाके वो दोबारा पॉज लेगा तो वो उसका दोबारा फ्रेंड होगा अगर उस फ्रेंड ने उसे समझाया और वो समझ गया तो वो वहां से बाउंस कर सकता है और अगर वो नहीं समझा पाया तो वो दोबारा नीचे अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाएगा तो आप समझ जाओगे कि जो फ्रेंड होता है जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो सपोर्ट सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता हो जो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बने वो एक सपोर्ट है आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है ये जमीन जहां पर आप खड़े हुए हो जहां पर आप खड़े रह सकते हो ये आपके लिए सपोर्ट है अगर ये टूट जाएगी तो, तो आप नीचे जाते रहोगे आप पॉइंट समझ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस कमरे में हूँ ये जो ऊपर मेरी छत है ये जो ऊपर सीलिंग है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है मैं अगर सी भी लगा लूँगा अगर मैं स्टेयर्स भी लगा लूँगा तो भी मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता अब मैं कैसे इसके ऊपर जा सकता हूँ मैं इसके ऊपर ऐसे जा सकता हूँ कि मैं सीलिंग को तोड़ूँ एंड मैं बड़ी सीढ़ी लेकर आऊँ और मैं उसके ऊपर निकलने की कोशिश करूँ तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो हमारे लिए नीचे है वो हमारे लिए सपोर्ट होता है ठीक है सो so, क्या करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेजिस्टेंस का आपको और रियल लाइफ में एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होते होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे येस yes, डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं जितने बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते डिमोटिवेट करने वाले लोग होते हैं सो so, रेजिस्टेंस बन जाता है वो हमारे लिए कुछ लोग होते हैं कि वो उनकी बातों को अपने मन में ले लेते हैं एंड वो हल्के 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 नीचे आते रहते हैं और डाउन होते रहते हैं कुछ लोग होते हैं वो उनकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता एंड वो उन्हीं के बातों को जवाब देके जो वो बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते और हम वही चीज़ करके जब उन्हीं की बातों को ब्रेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यानी कि ये सीलिंग तोड़ के मैंने सीढ़ी ऊपर लगाई और मैं ऊपर चला गया तो आप एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ठीक है और ब्रेकआउट और ब्रेक क्या होता है आप एग्ज़ाम्पल समझिएगा अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यानी कि ब्रेकआउट होता है अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो यानी कि ब्रेकडाउन होता है ठीक है तो ये दो वर्ड्स को समझेगा अगर आप आगे किसी से आपसे कोई पूछता है तो आपके पास ऑलरेडी आंसर होगा कि देखिए अगर नीचे तोड़ता है तो उसे भी ब्रेकआउट नहीं ब्रेकडाउन कहते हैं तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझनी जरूरी होती है ठीक है सो आई होप मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ईजिली समझा दिया होगा आप लोगों को एंड अब बात करते हैं वॉट नॉट टू डू मे ओके So, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वट नॉट टू डू जब भी हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर एक रेजिस्टेंस होता है हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं या मल्टीपल सपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं सो so, वो लोग क्या करते हैं वो लोग मल्टीपल चीजों पे घुस जाते हैं अगर आप इस चार्ट को देखते हैं ये मैंने एक चार्ट ओपन करा हुआ है निफ्टी फिफ्टी का आप इस पर्टिकुलर चार्ट पे देखिएगा कि आपको एक्चुअल में ये चार्ट समझ में आ रहा है क्या ये आपको एक सेटअप समझ में आ रहा है क्या आप इस सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं मैं तो नहीं कर सकता यस आप जिस तरीके से यहां पर देख रहे हैं कि इस सेटअप पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ है हम कैसे आइडेंटिफाई करें क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बना ये सारी चीजें फाइंड करना क्या इस चार्ट में मुश्किल है डेफिनेटली मुश्किल है सो so, ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं वो लोग मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बना लेते हैं मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं कि उसकी वजह से उनका जो चार्ट है वो के हो जाता है बहुत ज्यादा कि हम लोग उसको ध्यान से देख नहीं पाते हैं एंड ट्रेड नहीं ले पाते हैं आप पॉइंट समझ रहे हैं आप एक चीज को ध्यान से समझेगा अगर मैं आप लोगों को बताना भी चाहूं आप सोचेगा इतने सारे हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रखा है सो so, अगर इसने इस लाइन के ऊपर गया तो वो यहां तक जाएगा या अगर इस लाइन के ऊपर गया तो वो यहां तक जाएगा आप पॉइंट समझ रहे हैं कितने पास पास इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कब तक उसे खरीदते रहेंगे बेचते रहेंगे खरीदते रहेंगे बेचते रहेंगे आप पॉइंट समझ रहे हैं इस चीज का सो आपको थोड़ा सा थोड़ा एक्टिव होना है एंड थोड़ा सा आपको आ, मैं बताऊं तो क्योर क्यूरियोसिटी के वे में आपको इसमें काम करना पड़ेगा ठीक है तो आपको क्या करना है आपने इतनी सारी अगर लाइंस ड्रॉप भी कर लिया मैं आपसे कह रहा हूं आप सेलेक्ट उन्हीं को करो जिसकी आपको नीड है फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे इतने डाउन साइड मार्केट इज ट्रेडिंग एट पर्टिकुलर दिस प्राइस क्या मुझे अभी इतने डाउन साइड की वेट करनी है आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा नीचे हो गया अभी मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है तो मैं इस यहां पर ट्रेंड लाइन को हटा दूंगा आई डोंट नीड दिस ट्रेंड लाइन राइट नाउ आप पॉइंट समझ रहे हैं कि अभी मुझे इस ट्रेंड लाइन्स की इन ट्रेंड लाइन्स की कोई जरूरत नहीं है ये मेरे लिए नीड कब होंगी जब ये वाली ट्रेंड लाइन्स ब्रेक होंगी जब लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा तभी तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा और इन टारगेट्स को मानूंगा तो अभी मैं क्यों चार्ट पे इतना ज्यादा अनएक्टिविटी कर रहा हूं कि यहां पे मुझे अपना एग्जैक्टली चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो आई होप आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे जिसकी करंटली नीड है या फिर जिसका शॉर्ट टर्म में नीड है फाइव टू सिक्स डेज उसी को रखिए उसके अलावा अभी के लिए उसे हटा दीजिए जब नीड पड़े तभी आप ड्रॉ करिएगा आई होप मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी होंगी एंड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बता देता हूं देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप लोग ट्रेडिंग करना नहीं सीख जाएंगे प्रॉफिट अर्न करना नहीं सीख जाएंगे ये सिर्फ एक कंसेप्ट है आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर लेवल लेकर जाने में टेक्निकल एनालिसिस के में सारी चीजें ज्वाइन है इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न टूल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग से डेरिवेटिव्स का डाटा एवरी थिंग इज कम्बाइंड और उससे मिला के हम लोग एक डिसीजन लेते हैं आप पॉइंट समझ रहे हैं हम लोगों ने कम से कम पाँच से छ आउटपुट निकाले हैं छोटे छोटे एंड उसका एक बड़ा आउटपुट हम लोगों ने निकाला ठीक है तो ये एक सिंपल सा छोटा सा आउटपुट है जिसके बेसिस पर हम लोग एक बड़ा सा आउटपुट निकाल सकते हैं ठीक है सो अभी ये समझिए इसके बेसिस पे पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए या कम क्वान्टिटीज के साथ ट्रेड करिए या फिर अभी सिर्फ प्रैक्टिस करिए ठीक है और उसके साथ में जब आगे और वीडियोस बनाऊंगा बताऊंगा कि किस तरीके से प्राइस पैटर्न्स होते हैं प्रा, प्राइस एक्शन आपको बताया जाएगा चार्ट पैटर्न्स बताए जाएंगे सब कुछ बताया जाएगा उन्हें क्लब करिए मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा एंड आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड हो जाएगी तो चलिए अब बात करते हैं कि ड्रॉ कैसे करा जाता है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से बना सकते हैं एंड कौन से कौन से पॉइंट्स हमें याद करने हैं सो so, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं हमें कौन से कौन से टूल की जरूरत पड़ेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए ज्यादातर आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमें एक हॉरिजोंटल लाइन की ही जरूरत है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं हमें हॉरिजोंटल लाइन की भी नीड होती है हमें वर्टिकल लाइन की भी नीड होती है हमें ट्रेंड लाइन की भी नीड होती है एंड हमें रिक्टेंगल की भी नीड होती है स्काइस yes हमें इन तीनों की नीड होती है फिर से बता देता हूं हॉरिजोंटल लाइन ट्रेंड लाइन एंड रिक्टल ठीक है अब ये क्या डोनेट करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं जो हॉरिजोंटल लाइन होती है वो मैं बताती है कि इसके ऊपर नहीं जा सकता ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर डबल टॉप बन रहा हो तो हम होरिजोंटल लाइन को यूज कर सकते हैं अगर डबल बॉटम बन रहा हो तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज कर सकते हैं बट अगर आप बात करिए मार्केट चल रही है जिग में मतलब लोअर लोअर लोस एंड एंड फॉर्म कर रही है है कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड क्या आप बना पाएंगे तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है ट्रेंड लाइन का सो ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम लोग फाइंड करते हैं कि क्या हमारा सपोर्ट है क्या हमारा रेजिस्टेंस है कभी कभार आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक प्राइस ये एंड एक प्राइस हल्का सा ऊपर होता है आप देखिएगा हल्का सा ऊपर होता है

सो so, इन तीनों के बेसिस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो चलिए चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं एंड स्टडी करते हैं ओके okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड uh, आपके सामने मैंने प्रेजेंट करा है एक चार्ट एंड uh, इस पर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तो सबसे पहला रूल जो आप लोगों को फॉलो करना है वो है चार्ट को जूम आउट करना आपको अगर एक बढ़िया सी पिक्चर दिखेगी चार्ट की तो आप बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे ठीक है सो so, आपको करना क्या है आपको चार्ट को जूम आउट करना है इस तरीके से ठीक है एक क्लियर पिक्चर लिए लीजिए चार्ट की एंड उसके साथ अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करेगा ठीक है सो so, मैंने क्लियर पिक्चर ले लिया है एंड आई थिंक मुझे यहां तक की नीड है अब इसके बेसिस पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करूंगा ओके पहली चीज अगर आप देखेंगे एक टॉप मुझे ये दिख रहा है ठीक है एंड एक टॉप मुझे यह दिख रहा है अब आप एक चीज बताइए मैं इस चार्ट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्यों करूं ठीक है अपने आप को कंफ्यूज क्यों करूं सो so, इसके लिए मैं दो ट्रेंड लाइंस का यूज नहीं करने वाला मैं क्या करूंगा मैं एरिया ऑफ वैल्यू का यूज करूंगा एंड मैं एक रिक्टेंगल का यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरीके से हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि कभी भी इस प्राइस पे या इस रेंज के अंदर आएगा तो वो हमारे लिए एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है इस रेंज को हम लोग नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए ये एक रेजिस्टेंस है ठीक है हम लोग इसका कम कर देते हैं ओके okay. ठीक है ये एक रेजिस्टेंस है बिकॉज इसके ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा है ठीक है अब बात करते हैं सपोर्ट की तो सपोर्ट क्या है ठीक है सपोर्ट आई थिंक एक लेवल ये है बहुत बढ़िया सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है एट दिस लेवल एंड अगर मैं इसे थोड़ा सा देखूं तो एक लेवल ये भी आ रहा है आप देख पा रहे हैं अगर आप ध्यान से देखिएगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं इस चीज को देखिएगा एक फर्स्ट चीज तो ये आ रही है ठीक है एक सेकेंड चीज आ रही है ये एंड एक थर्ड चीज आ रही है ये आपको एक क्लियर पिक्चर यहां पर आराम से मिल गया होगा क्या इंडिकेट कर रहा है ठीक है मी टेल यू अबाउट दैट एज वेल ठीक है जस्ट वेट अ सेकेंड ओके यहां पर जो आपको इंडिकेशन मिल रहा है एट दिस पर्टिकुलर लेवल ये लेवल पे ये आपको बता रहा है कि इसके ऊपर जाने में इसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है सो so, यह इसके लिए हो गया रेजिस्टेंस ठीक है यह इसके लिए हो गया रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा तभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ पाएंगे यह बहुत वास्ट कंसेप्ट है ठीक है जब रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया और स्टॉक दोबारा नीचे आया सो दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट स बिकम सपोर्ट और हम इसे कंफर्म कब करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया तो उसे कंफर्मेशन कब मिलेगी क्या वो जैसी रेजिस्टेंस को छूता है हम उसे सपोर्ट कह सकते हैं नहीं जब वो इस लेवल से बाउंस करके ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है आप पॉइंट समझ रहे हैं यानी कि अगर मैं ये सीलिंग तोड़ के ऊपर जाता हूं और मैंने बहुत ऊंची छलांग लगाई है मैं एक बार तो नीचे आऊंगा एक बाउंस बैक लेने के लिए और ऊपर जाने के लिए ठीक है तो मेरे पास दो चीजें हो सकती है मेरे साथ या तो जो मैं सीलिंग तोड़ के ऊपर गया हूं तो मैं डायरेक्ट उसी के नीचे आ जाऊंगा ठीक है या फिर मैं थोड़ा साइड में लैंड करूंगा और मेरे को बाउंस मिलेगा और मैं और ऊपर चले जाऊंगा आप पॉइंट समझ रहे हैं या तो मैं नीचे आ सकता हूं या तो मैं ऊपर जा सकता हूं दोबारा बाउंस करके सो कंफर्मेशन कब मिलेगी कि वो जो रेजिस्टेंस था वो मेरे लिए अब सपोर्ट का काम कर रहा है क्योंकि अगर मैं बाउंस करके ऊपर जाऊंगा तो वो मेरे लिए सपोर्ट हुआ ना तो जब तक बाउंस नहीं करता वो सपोर्ट नहीं खेला जाएगा ठीक है सो यहां पर सपोर्ट हम तभी मानेंगे कि जब यहां से ये यह बाउंस करके ऊपर जाएगा अगर ये कंटिन्यूसली नीचे फॉल होता तो ये हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस होता अब आप पॉइंट समझे चलिए और आगे बात करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये इसके लिए सपोर्ट था ठीक है यहां पर हमने देखा ये इसके लिए रेजिस्टेंस था इसने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद एग्जैक्ट इस लेवल पे यहां पर ये इसके लिए हुआ, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हुआ ऑफकोर्स जब ब्रेकआउट दिया आप पॉइंट समझेगा जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो वो क्या बन चुका था सपोर्ट बिकॉज इस लेवल से बाउंस करके ऊपर गया था अगर ये कंटिन्यूसली नीचे फॉल करता तो ये रेजिस्टेंस ही कहलाता अब आप पॉइंट समझ गए होंगे ठीक है सो मैं क्या करना प्रेफर करूंगा मैं आपको बताता हूं ठीक है मैं यहां पर भी एरिया ऑफ वैल्यू का यूज करूंगा मुझे दो ट्रेंड ट्रेडलाइंस की नीड नहीं है मैं एक एरिया ऑफ वैल्यू इनिशिएट कर सकता हूं एट दिस पर्टिकुलर लेवल यहां पर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना जब सपोर्ट ब्रेक करके वो नीचे गया तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस बना आप पॉइंट समझ गए होंगे ठीक है So, अभी तक हम लोगों ने दो एरिया ऑफ वैल्यू बताया है जिसपे एक रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट है मैं इसको सपोर्ट का नाम दे देता हूं आप लोगों के लिए ठीक है इसको हम लोगों ने दे दिया सपोर्ट का नाम ओके ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट की लाइन हो गई है अब एक रेंज पता चल गई है देखिए ट्रेड आपको एक्चुअल में ट्रेड करना है ठीक है आपको पता है इसके ऊपर जाएगा तो मैं अलग चीज सोचूंगा इसके नीचे जाएगा तो मेरे लिए अलग डिफरेंट कंसेप्ट है बट जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक तो मुझे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी है या फिर मुझे अलग मेथड्स का यूज करना है सो आपके लिए सबसे पहला सबसे पहला पहला डिसीजन क्या आपको पॉइंट क्या करना है कोई भी चार्ट ओपन करें सबसे पहले जूमआउट करिए जितने पोर्शन की नीड है उतने पोर्शन पे ही काम करिए ठीक है एंड उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है एक टॉप एक सपोर्ट ठीक है आपको क्या फाइंड करना है एक टॉप और एक बॉटम जब आपने ये बॉटम और एक ये टॉप फाइंड कर लिया और आपने देखा कि स्टॉक इसी रेंज के अंदर है तो अब आपको इस रेंज के अंदर अपनी एनालिसिस करनी है एंड उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेना है अब क्या होगा अब यहां पर आपको इन पूरे के पूरे चीजों की एनालिसिस करने की नीड नहीं पड़ेगी अब आपको सिर्फ इतने पोर्शन की एनालिसिस करनी है एंड आपका डिसीजन आपके सामने होगा ठीक है सो so, हम और चीज क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ठीक है एक ट्रेंड लाइन ये बना सकते हैं बट स्टॉक uh, अगर नीचे आता है तो एग्जैक्ट एट दिस प्राइस वो सपोर्ट ले सकता है बट अभी कोई नीड नहीं है तो हम इसे हटा सकते हैं मैंने आपको बताया जिसकी अभी नीड हो उसे ही आपको अपने पास रखना है एक चीज मैं देख रहा हूं कि हमें एग्जैक्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है लेटमी शो यू दैट ये देखिए यहां पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये एक पहले सपोर्ट का काम हुआ करता था ठीक है जब इसने सपोर्ट को ब्रेक करा एक अपसाइड मूवमेंट करी एंड दोबारा नीचे आया जब दोबारा नीचे आया सो दैट सपोर्ट जो सपोर्ट था वो उसके लिए क्या बन गया वो उसके लिए बन गया रेजिस्टेंस जब वो दोबारा नीचे ऊपर आया तो वो दोबारा उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया आप पॉइंट समझ रहे हैं थर्ड टाइम उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया ठीक है सो यहां पर हमें एक चीज एक कंसेप्ट समझ में आया है वो कंसेप्ट क्या है कभी भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है लेट मी टेल यू विद एन वेरी गुड एग्जाम्पल लेट मी शो यू हेयर ओनली ठीक है ओके सो ये एक लाइन है ठीक है स्टॉक ट्रेड कर रहा है एट दिस प्राइस ये ब्रेक कर गया ये ब्रेक करा यानी कि एक सपोर्ट को इसने ब्रेक करा है जब सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे जाता है ये देखिए एक स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी चाहिए सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है ऊपर गया एग्जैक्ट इसी लेवल पे इसने क्या करा रीटेस्ट करा जो कि पहला लेवल ब्रेक करा था वहां पर रीटेस्ट करा और दोबारा नीचे चले जाता है आप इन बिटवीन यहां पर कहीं शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करके चल सकते हैं ठीक है आप प्रॉफिट बुकिंग कहां कर सकते हैं अपने प्रीवियस पे आपका क्या होगा इसका थोड़ा सा हाई ठीक है मैं आपको एक एक कंसेप्ट बना के चला रहा हूं उसके अलावा दोबारा अगर ऊपर जाता है तो देर इज प्रोबेबिलिटी देर इज प्रोबेबिलिटी कि जो पहले सपोर्ट को ब्रेक करा था और वो रिटेस्ट फर्स्ट टाइम करा था तो देर इज कि वो सेकेंड टाइम भी रिटेस्ट कर सकता है आई एम नॉट श्योर कि अबाउट ये थर्ड या फोर्थ टाइम भी करेगा बट आई एम श्योर कि सेकेंड टाइम बहुत जनरली करता है और आपको यहां पे अगर कोई एक इनडिसाइसिव कैंडल या प्राइस रिजेक्शन मिलता है प्राइस रिजेक्शन इन द सेंस आपने देखा होगा कि कुछ कैंडल्स ऐसी भी बनती हैं सो so आपने देखा कि ये एक इस तरीके की कोई कैंडल बनती है और आपने देखा बहुत बढ़िया प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है यू कैन गो फ्रॉम अ शॉर्ट हेयर ये आपका टारगेट है एंड ये आपका स्टॉप लॉस है ठीक है आपको मैं एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए ओके सो चलिए लेट्स मूव टू आर चार्ट अगेन ओके आपने यहां आप पर एक चीज नोटिस तो कर ही लिया है कि ये पहले सब सपोर्ट ब्रेक करा दैट बिकम रेजिस्टेंस सेकंड टाइम रेजिस्टेंस थर्ड टाइम रेजिस्टेंस एंड उसके बाद इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद अब आप एक चीज चेक करिए देखिए हमें हर पॉइंट टू पॉइंट चलना है ये नहीं कि मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूं उसके बाद ट्रेड करना शुरू कर दूं ऐसा नहीं होता आप जिस लेवल पे सपोर्ट या जिस लेवल पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसका समझे साइकोलॉजी समझिए कि वो एक्चुअल में आप बताना क्या चाह रहा है वो चीज आपको आप एक्चुअल में अगर ये चीज सीख जाएंगे आपको इंडिकेटर आपको प्राइस एक्शन आपको किसी भी टूल की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी समझ पाए और वही चीज में मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं अभी आप लोगों को तो बहुत इंपॉर्टेंट से समझिएगा ठीक है यहां पे हम लोग देखा कि जब ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद एक की ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वो रेंज करो और दोबारा नीचे आ गया ठीक है आप देखेगा ब्रेकआउट एक कैंडल ने दिया उसके बाद हमने क्या देखा next candle ने उसके ऊपर नहीं नहीं दी। दी। ने 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 कोई भी candle ने अभी तक उसके ऊपर हम लोगों क्या देखा? एक बहुत बढ़िया ये ये देख रहे हैं था ये क्या था? ये एक था। एक ये रेजिस्टेंस पे बार बार स्टॉक आ रहा था नीचे जाया जा रहा था दोबारा आया प्राइस रिजेक्शन मिला और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला इसे कहते हैं प्राइस रिजेक्शन विद साइकोलॉजी ठीक है तो यहां पर आप साइकोलॉजी समझ जाते प्राइस एक्शन से रिलेटेड या प्राइस रिजेक्शन से रिलेटेड सो आप लोग यहां पर इस पूरे फॉल को पकड़ पाते ठीक है अब बात करते हैं कि अगर ब्रेकआउट आता भी है अगर ब्रेकआउट आता भी है तो हमें कैसे ट्रेड करना है क्योंकि यहां पर तो सर आप मुझे बता रहे हो कि इस लेवल से एक ब्रेकआउट आया हमें बाय कर लेना है तो बट हम देख रहे हैं कि वो दोबारा नीचे आ चुका है तो मैं एक्चुअल में करना क्या है तो मैं वो भी कंसेप्ट आपको समझा दूंगा बट हम जब बात करेंगे हाउ टू ट्रेड में ठीक है सो so, दोबारा चलते हैं एंड यहां पर अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओके अब हॉरिजॉन्टल लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कभी भी मत करा करिएगा आपको जितने पॉइंट्स की नीड है आपको उतना ही पॉइंट ड्रॉ करना चाहिए ठीक है सो so, मुझे इस पूरे इस, इस पूरे पोर्शन की नीड नहीं है तो मैं यहां से अपना हॉरिजोंटल लाइन हटा दूंगा मुझे कितने पोर्शन की नीड है मुझे पोर्शन की नीड है सिर्फ इतने पोर्शन की ठीक है सो so, मैं सिर्फ यहीं पर ही ट्रेंड लाइन बनाऊंगा कि मेरा चार्ट बिल्कुल अजीब सा ना दिखे ओके okay? इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं अब हम मान के चलते हैं चलिए अगर इसका ब्रेकआउट देता है देन ये प्रॉब्बली प्रॉबली यहां तक आ सकता है ठीक है क्यों यहां तक आ सकता है आप देखिएगा फर्स्ट टाइम जब ये फॉल करा देखिए साइकोलॉजी हर जगह यूज होती है फर्स्ट टाइम फॉल करा दोबारा एक बार ऊपर गया मतलब जब एक फॉल करा तो एक बार पुल बैक देने की कोशिश करे पुल बैक देने की कोशिश करी वहां पर उसे एक और रेजिस्टेंस मिल गया आप समझ रहे वो नीचे आया उसने पुल बैक देने की बाउंस करने की कोशिश करी बट उसे ऊपर एक और दीवार दिख जाती है और वो बहुत तेजी से अपनी नीचे वाली दीवार को भी तोड़ के नीचे आ जाता है सो so, एग्जैक्ट ऐसा हुआ क्या हुआ कि पहले तो एक फॉल आया एक ऊपर जाने की बाउंस करने की यानी कि पुल बैक देने की कोशिश करी वहां नहीं सस्टेन कर पाया और दोबारा नीचे आ गया मैंने आपको बोला था जो पहले सपोर्ट का काम करता है अगर वो ब्रेक करे और वो रीटेस्ट करके नीचे जाए तो दूसरी बार भी वो एक बार रीटेस्ट करके नीचे जाता है तो नीचे से ऊपर आया सेकेंड टाइम रीटेस्ट करा है ये सेकेंड टाइम एंड एक शार्प फॉल हमें दोबारा देखने को मिली सो so, यानी कि ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है बट क्या ये लेवल पास्ट में इंपॉर्टेंट था यहां पे तो नहीं था इधर भी नहीं था इधर भी नहीं था इधर भी, भी नहीं था तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की नीड नहीं है हम लोग दोबारा यहां पे बना सकते हैं ठीक है अब आप एक कंसेप्ट समझेगा ठीक है ज्यादातर लोगों के माइंड में ये चीज नहीं आती आपको क्रिएटिविटी रखनी होगी वो कैसे रख सकते हैं आपने देखा यार इसके ऊपर जाएगा तो मेरा ये टारगेट है ठीक है तो मतलब ये ये एक रेजिस्टेंस है है आपको लगता कि यहां तक स्टॉक रीच कर सकता है आप इसका ना कलर चेंज करिएगा आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा या कलर नहीं कर सकते आप चेंज तो आप कुछ और चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया एंड मैंने इसकी जगह डॉटेड लाइन रख दिया सो मुझे पता चला कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये मेरा टारगेट हो सकता है और अगर इसके ऊपर जाता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है अब पॉइंट समझे बिकॉज एक शार्प फॉल आई है तो इन बिटवीन मुझे कहीं पर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा ठीक है सो इतना तो मैंने ड्रॉ कर लिया मुझे पता चल गया कि मेरा एक टारगेट ये है एक मेरा टारगेट ये है अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर जाता है बट अगर बाय चांस वो नीचे आता है तो मुझे क्या करना है उसके लिए भी तो मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नीट पड़ेगी ठीक है तो अब हम यहां पे अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज करूंगा एक ट्रेंड लाइन को ठीक है ट्रेंड लाइन को मैं यूज कर सकता हूं डैश्ड लाइन पे ठीक है आप अलग अलग लाइन यूज कर सकते हैं समझने के लिए कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ठीक है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना ओके अः अब मैं देख रहा हूं कि यार यहां पर एक रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है लेट मी शो यू वेरी क्लियरली ठीक है डोंट वरी यस यहां पर आप देखेगा स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दी है ठीक है आप ये चीज देखेगा स्टॉक एक्चुअल में कर क्या रहा है स्टॉक ने देखा कि जब आपने इस लेवल को ब्रेक करा यह दोबारा एक बार ऊपर गया रिटेस्ट करा नीचे आया प्रीवियस लेवल तक आया और दोबारा बाउंस करा उसके बाद दोबारा नीचे आया दोबारा जब नीचे आया तो पहले यह इसके लिए क्या था आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा यह इसके लिए रेजिस्टेंस था ठीक है ये इसके लिए सपोर्ट था सॉरी ये इसके लिए सपोर्ट था लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू इसके लिए सपोर्ट लाइन थी जब इसने सपोर्ट को ब्रेक करा दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आफ्टर इट गिव अ रीटेस्ट और वो दोबारा नीचे आया पॉइंट समझे उसके बाद दोबारा ऊपर गया जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और उसके बाद जब नीचे आके बाउंस करा दैट रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट उसके बाद दोबारा नीचे आया और ये इसके लिए अभी भी सपोर्ट है आप समझ रहे हैं अब अगर इस लाइन को ब्रेक करके ये नीचे आता है मतलब अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है ये ट्रेंड लाइन हो सकती है ठीक है ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट का, का काम कर सकती है इसके अलावा और क्या सपोर्ट दे सकता है इसके अलावा दे सकता है ये पर्टिकुलर लेवल ये देखिए ये पर्टिकुलर लेवल भी इसको एक सपोर्ट देकर चल सकता है कैसे सपोर्ट देकर चल सकता है लेट मी क्लियर दिस फॉर यू आप देखेगा क्या करे स्टॉक ने इस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया एक गैप अप ओपनिंग दिया है देखिये मैं हर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि आप कभी भी स्टॉक में एंटर करें आपको ऑलरेडी सब कुछ आता हो ठीक है इट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग ट्रेंड लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड मिनिमम टू मिनिमम आप अपनी लाइंस को ड्रॉ करिए

इस, इस, तो इस ड्रॉ कर दूंगा मैं एक जोन क्रिएट कर दूंगा और मैं ये दोनों चीजों को रिमूव कर सकता हूं अब मुझे जरूरत ही नहीं है मेरे को पता चल गया एक मिड पॉइंट मतलब एक ट्रेंड लाइन जहां पर आ रही थी और जहां पर यह लाइन दोनों कनेक्ट हो रही थी उस पॉइंट को मैंने एक जोन के रूप में ले लिया एंड अगर ये फॉल करता है तो दिस शुड बी माय टारगेट एंड अगला जो मेरा टारगेट हो सकता है वो मेरा टारगेट हो सकता है दिस पॉइंट लेट मी शो यू दिस आल्सो एज वेल जो नेक्स्ट मेरा टारगेट हो सकता है वो मेरा टारगेट हो सकता है ये लेवल हमने अभी उधर क्या देखा इस लेवल का ब्रेकआउट आता है फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट नाउ आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ अब इसे अगर मैं जूम आउट करता हूं क्या इतना पोर्शन आपके लिए क्लियर है मुझे एक चीज पता चल रही है ठीक है मुझे क्या चीज पता चल रही है देखिए अगर और बढ़िया बढ़िया बनाने बनाने के लिए, बहुत बनाने के लिए लिए बहुत मैं आपको बताता हूं ठीक है इस जोन को भी मैं क्या करता हूं कोशिश करते हैं कि अगर ये उस पैटर्न में आ जाता है ठीक है आई डोंट थिंक ये उस पैटर्न में आएगा बट आप सबको कलर दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है सो यह आपके लिए रेड जोन होना चाहिए क्या होना चाहिए रेड जोन ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरे लिए ग्रीन होना चाहिए और थोड़ा सा ये मैं इसे डार्क कर सकता हूं इसके ऊपर मेरा बाय है ठीक है इसके नीचे मेरा सेल है तो मैं इसको अपना टारगेट दे सकता हूं लेट मी शो यू दिस एज वेल ये मेरा टारगेट हो सकता है ठीक है और जो मेरा टारगेट था उसको मैंने कौन सा कलर दिया था उसको मैंने डॉटेड दिया था विद पर्टिकुलर लेवल ठीक है इसे थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं ओके okay. अब आपने को पता चल गया रेड जोन ब्रेक करेगा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट ग्रीन जोन ब्रेक करेगा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट सो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया यानी कि अब मैं एक चीज और बताता हूं यानी कि जो ये पूरा पोर्शन है जो ये पूरा का पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये देखिए ये पूरा पोर्शन इसे हम कह सकते हैं देखिए यह सारी चीजें आपको सिखाता हूं मैं इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन इसे हम क्या कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन हमें यहां पर ट्रेड नहीं करना है इस जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं या इस जोन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हैं आप कंसेप्ट समझे तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं फर्स्ट जूमआउट करिए चार्ट्स उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कितना पोर्शन यू नीड उसके बाद आपको एक पूरा का पूरा एक चैनल क्रिएट करना है मतलब एक एक टॉप और बॉटम क्रिएट करना है जितना आपको नीड है वो जितना ऊपर भी हो सकता है जितना नीचे भी हो सकता है आपकी नीड के हिसाब से उसके बाद आपको उसी के अंदर स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है सो अब मंडे को जब मैं आप लोगों को अनालिसिस बताऊंगा इसकी तो मैं एग्जैक्ट यही बताऊंगा आप जाके जरूर चेक करिएगा एंड चेक करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं सो so अगर अभी तक आप लोगों को हमारी पढ़ाई हमारी जो लर्निंग समझ में आ रही है तो एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और एक लाइक like बटन जरूर हिट कर दीजिएगा एंड उसी के साथ हमें मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोज बनाने के लिए ठीक है आई so, होप मैंने इतना कंसेप्ट आपको समझा दिया होगा गो एंड प्रैक्टिस योर सेल्फ एज वेल और मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊं लोग करते क्या है मैंने आपको निफ्टी वन आर टाइम फ्रेम के अंदर में ये स्टडी कर रहा हूं निफ्टी वन आर टाइम फ्रेम अब आप जब इस वीडियो को एंड करेंगे अपने टर्मिनल पे जाए निफ्टी वन आर का टाइम फ्रेम ओपन करें एंड पहले खुद ड्रॉ करने की कोशिश करिए अब आप उस ड्रॉ को मेरी वीडियो के साथ इस फोटो के साथ कंपेयर करिए एंड देखिए आपने क्या गलत कर रखा है और मैंने क्या सही कर रखा है एंड उसको मर्ज करके एक बढ़िया सा अपना सेटअप बनाए उसके बाद कोई भी स्टॉक्स पे जाके अपनी एनालिसिस या अपनी प्रैक्टिस करेगा सबसे पहली प्रैक्टिस उसी में करनी है जिस चीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है आपकी लर्निंग और अच्छे से इंक्रीज करेगी ठीक है अब बात करते हैं ट्रेड कैसे लें ठीक है अब बात करते हैं ट्रेड कैसे लें देखिए ट्रेड लेने के लिए आपको बहुत बढ़िया तरीके होते हैं सो मी क्लियर दिस फर्स्ट फॉर यू आप देखेगा आप सबसे पहले यहां पर ट्रेड कहां लेना चाहते हैं आप ट्रेड लेना चाहते हैं इसके ब्रेकआउट पे सो so, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अभी मार्केट ओपन हुई है आपने देखा मार्केट अभी ओपन हुई है मार्केट में जब स्टॉक ओपन हुआ एट दिस पर्टिकुलर प्राइस मैं आपके लिए बना देता हूं ओके सो स्टॉक इस लेवल पे ओपन होता है एंड वो हल्के 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 ऊपर जा रहा होता है ऊपर जा रहा होता है आपके माइंड में क्या आएगा सर ने बोला था कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करे यू हैव टू गो फॉर अ दिस शुड बी टारगेट और ऑफ कोर्स हमें यही करना चाहिए बट आपने एक चीज देखी मैंने वर्डिंग का क्या यूज करा इसके ऊपर जब भी क्लोज करेगा तब गया तो ये वाली कैंडल भी तो गई थी ये वाली कैंडल भी तो इसके ऊपर गई थी बट क्या इसके ऊपर क्लोज करी नहीं करी ना तो जब तक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज ना कर ले तब तक हमें ट्रेड नहीं करना जब तक ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे सपोर्ट के नीचे क्लोज ना कर ले तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना आप पॉइंट समझ रहे हैं हमने क्या देखा ये ऊपर तो गया ये स्टॉक ऊपर तो मतलब सीलिंग तोड़ के ऊपर तो गया ऊपर जाने के बाद नीचे आता रहा नीचे आता रहा नीचे आता रहा दोबारा कमरे के अंदर ही आ गया क्योंकि ये सीलिंग है और दोबारा ऊपर गया और दोबारा कमरे के अंदर आ गया बट अगर वो इसके ऊपर क्लोज करता तो यानी कि हम समझेंगे कि उसने छलांग तो लगाई सीलिंग ब्रेक करके और वो ऊपर ही है अभी अभी नीचे नहीं आया तो मतलब उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्लोजर हो गया और ऊपर जाने के लिए क्यों क्योंकि वो इस लेवल से बाउंस करके और ऊपर जा सकता है मतलब इस सीलिंग से बाउंस करके ऊपर जा सकता है उसे दोबारा नीचे से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा आप कंसेप्ट समझिए मैं रियल लाइफ और फिक्शन के एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बता रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए ठीक है सो so, हमें क्या करना है जब तक एक कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है तब तक हमें बाय नहीं करना है ओके दूसरी चीज अब मैं जो ट्रेड करते हैं देखिए दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं एक होता है इंट्राडे ट्रेडर एक होता है स्विंग ट्रेडर मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करता है सो so, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें सो लेट मी क्लियर दिस फॉर यू देखिए अगर आप तो मैं थोड़ा सा इस वे में आ जाता हूं यहां पर ठीक है अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं आपको एक चीज समझनी है आप जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है आइडेंटिफाई करेंगे so आपको आइडेंटिफाई जो करना है ठीक है मैं लिख देता हूं आइडेंटिफाई जो आपको करना है वो करना है एच टी एफ में आपको आइडेंटिफाई करना है एच टी एफ इसकी फुल फॉर्म पता है इसकी फॉर्म है हायर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है आप कभी भी अगर उस पर ट्रेड करना चाहते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे तो आप कर सकते हैं ट्रेड देखिए आइडेंटिफाई और मेक करने उस पर और जब ट्रेडिंग की बारी आती है तो आप कर सकते हैं एल टी एफ यानी कि लोअर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब आपने स्टॉक को अगर सेलेक्ट करा फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप अगर ट्रेडिंग करोगे उस स्टॉक के बिहाफ में उस स्टॉक के लिए अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन आर पे कर रहे हो तो आप फिफ्टीन मिनट्स पे ट्रेड कर सकते हो या थर्टी मिनट्स के ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट 15 मिनट्स की कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो या फिर आप 30 मिनट्स की कैंडल पे पे भी ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो ठीक है 15 से नीचे आप नहीं जाइएगा बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं आपने फॉर एग्जांपल वीकली टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस करी एंड ट्रेड करा डेली कैंडल पे या वन आवर के कैंडल पे आप समझ पा रहे मैं आपको और इजिली यहां पर लिख के दिखा देता हूं डोंट यू नीड टू वरी आपको मैं यहां आप पर शो करता हूं ठीक है यस yes. सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडर की अगर आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, सो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं अगर आप डेली चार्ट्स पे एनालिसिस करनी है आपकी एनालिसिस में लिख देता हूं ठीक है आप जब भी एनालिसिस करेंगे आपको एनालिसिस करनी है डेली चार्ट पे कर सकते हैं ठीक है या फिर आप आर्ली चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है और ट्रेड किस पे कर सकते हैं आप थर्टी मिनट्स पे कर सकते हैं और फाइव मिनट्स पे कर सकते हैं कितने में फाइव मिनट्स पे अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडर की जो कि एक स्विंग ट्रेडर होता है तो उस पे लिए हमें क्या करना चाहिए उसके लिए या तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं वन मंथ वन वीक एंड वन डे जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं एक्चुअल में वो हम लोग किसमें करते हैं वन डे में भी कर सकते हैं और हम लोग वन आर पे भी कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग सो so आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब कमेंट सेक्शन पे मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर हम पांच मिनट पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जब मैंने यहां पर पांच मिनट सॉरी पंद्रह मिनट है ये सॉरी पांच मिनट पे आप नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर फॉल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है सो पंद्रह मिनट थर्टी मिनट वन डे वन आर इसी के बेसिस पे ट्रेड करना है ठीक है सो आई होप इसको आप लर्न कर सकते हैं इसको आप नोट करिए अपने कॉपी पेन पे एंड पे वहां पर आप लोगों को और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है तो आते हैं दोबारा अपने चार्ट्स की तरफ एंड और... ओके सो so, मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बार अपनी एनालिसिस को करके देखते हैं ठीक है पास्ट पे हम लोग फिफ्टी मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं अब देखिए ट्रेड की बारी आती है अभी मैंने आपको बताया कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं बट कंफर्मेशन भी तो कोई चीज होती है फर्मेशन कैसे पता लगाएं अभी मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए एक चीज जरूर बोली थी वो मैंने आपको क्या बोली थी मैंने आपको बोला था कि अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो हम लोग बाय कर सकते हैं बट वो कब बताया था अब इस देखिए हर पॉइंट को समझेगा बहुत नॉलेजेबल कंसेप्ट है कोई नहीं बताता आपको ठीक है आपने वन आर पे अगर अपनी एनालिसिस करी है तो आप जो भी कैंडल क्लोज होगी अगर कैंडल एक कैंडल क्लोज होती है मैं सिर्फ बात कर रहा हूं वन कैंडल की

सो so, आपके लिए होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल की लाइन है अगर पहली कैंडल एक ब्रेकआउट देती है आपको ट्रेड नहीं करना अगर दूसरी कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो आप लोग ट्रेड करके चल सकते हैं और दूसरा ऑप्शन क्या होता है ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ये अगली कैंडल भी ऊपर गई ये और ऊपर गया और दोबारा फिर ये नीचे आ रहा है और दोबारा नीचे आ रहा है इस लेवल से ये दोबारा जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा आप इधर कहीं बाय पोजीशन कर सकते हैं ये क्या सिस्टम बना ये सिस्टम बना जो रिजिस्टेंस लाइन थी दैट रिजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आफ्टर इट गिव अप बाउंस बैक पॉइंट समझे तो आप इसके थ्रू अपनी बाइंग कर सकते हैं ये कंफर्मेशन है सेकंड ये एक फर्स्ट कंफर्मेशन होता है कि लगभग दो कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर बट जो पहली दूसरी कैंडल होनी चाहिए क्लोज वो पहली कैंडल के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए ठीक है अगर उसके ऊपर क्लोज नहीं होती है तो हम लोगों के लिए बाय सेटअप अभी भी जनरेट नहीं हुआ है इसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पता करा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां देखिएगा लेट्स गो टू वन आर टाइम फ्रेम अगेन एंड इधर चेक करिएगा यह देखिएगा मल्टीपल जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस यहां पर जो भी देखने को मिल रहा मुझे है मुझे बताएं पहला रेजिस्टेंस होता है ये लेवल ये सेकेंड रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस है अब जब मल्टीपल रेजिस्टेंस का इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल का मल्टीपल रेजिस्टेंस ने अगर ब्रेकआउट दिया तो यहां पर आप चेक करिएगा क्या यह इसके ऊपर गया क्या इसके ऊपर इसने कैंडल की क्लोजिंग करी है नहीं करी है हमें क्या करना है ये रेजिस्टेंस है कोई भी हो कोई भी टाइम फ्रेम हो कंफर्मेशन की बात बता रहा हूं पहली कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तो दूसरी कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए ठीक है तभी वो रीटेस्ट करके ऊपर जाए तभी हमारे लिए एक परफेक्ट बाय सेटअप बनता है ठीक है या फिर अगर ये रेजिस्टेंस है और ये एक क्लोजिंग है और ये एक क्लोजिंग है बहुत दूर है आप देख रहे हैं ये सौ रुपए का शेयर प्राइस है और ये जो सेकंड बॉडी की क्लोजिंग है वो हो रही है एक सौ दस रुपए में तो यार बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो, तो मैं ट्रेड भी नहीं ले सकता देन यू हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट और तभी बाय कर सकते हैं या फिर आप बाय करें जब सौ रुपये में शेयर ट्रेड कर रहा हो और जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग हुई हो वो एक या एक एक रुपए के आसपास हुई हो आप पॉइंट समझ रहे हैं ठीक है आप तब ट्रेड लेकर चल सकते हैं सो so, यहां पर हुआ क्या पे, अगली नेक्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया वो दोबारा नीचे आ गया सो so, अभी भी हमारे लिए ये जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक हमारे लिए सेटअप जनरेट नहीं होगा अब जरूरी नहीं है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है अगली कैंडल ही उसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए अगर ये यहां से ऊपर जाते जाते भी क्लोज कर देता है तो भी हम मान के चलेंगे कि सेकंड कैंडल ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है एंड हम यहां पे एक बाय सेटअप जनरेट करके चल सकते हैं ठीक है सो आई होप मैंने आप लोगों को सारी की सारी लर्निंग्स प्रोवाइड करवा दी होंगी एंड यही रीजन होता है देखिए जो हमारा लास्ट पॉइंट था जिसमें मैं आपको बता रहा था हाउ टू आइडेंटिफाई अ फॉल्स ब्रेकआउट यही था कि आपको सब लोग बता देते हैं यार ये फॉल्स ब्रेकआउट आ गया ये नहीं है वो नहीं है बट आपको बताते नहीं है कि क्यों आया ठीक है आपको अपने आप पता चल गया थ्रू कंफर्मेशन अब आधे लोग कहेंगे कि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस था स्टॉक ऊपर गया और दोबारा नीचे आ गया तो दैट मीन दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट बट यार अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं आया बट आधी दुनिया जो बोलेगी वो बोलेगी कि दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट ठीक है सो so, एक्चुअल में फॉल्स ब्रेकआउट जैसा कंसेप्ट कुछ नहीं है अगर आपके माइंड में साइकोलॉजी बहरी है अगर आप साइकोलॉजी के वे में सोच रहे हैं तो आपके लिए फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है आप सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आपके लिए एक ही ब्रेकआउट होगा जो कि परफेक्ट होगा एंड अब वहां पर बायस सेल कर सकते हैं सो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छा सा नॉलेज प्रोवाइड करवाई होगी एंड मैं और डेडिकेटेड वीडियोस आप लोगों के सामने प्रेजेंट जरूर करूंगा एंड पर्सनली मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे अपना मेल आईडी डाल रखा है सो so आप क्या कर सकते हैं आप फाइव टू सिक्स अपने खुद के चार्ट एनालिसिस करिए ट्रेंड ट्रेंडलाइंस को ड्रॉ करिए इस बिहेवियर में ठीक है आपको ज्यादा बिल्कुल नहीं करना

एग्जैक्ट ऐसा आप लोगों को अपने निफ्टी में बनाना है प्लस टू टू थ्री स्टॉक्स की इसी तरीके से एनालिसिस करके अपना स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेल करना है ठीक है एंड मैं वहां पर आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा कि आप लोगों ने क्या गलतियां करी है आप लोगों ने क्या अच्छा करा है ठीक है सो ये आपका होमवर्क है एंड आप लोग मुझे होमवर्क सेंड करते रहिएगा मैं आपका रिस्पॉन्स देते रहूंगा इसी से टीचर और स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे एंड आपकी सारी क्वेरीज में सॉल्व करते रहूंगा सो आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा कुछ पढ़ाया होगा सारी चीजें पढ़ा दी होंगी क्या आपको ट्रेड नहीं करना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोगों को ड्रॉ करना चाहिए किस बिहाफ में करना चाहिए क्या क्रिएटिविटी का यूज करना चाहिए वो बता दिया ट्रेडिंग कैसे करनी है क्या कंफर्मेशन की एंड देयर इज नो सच फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेक ओके सो चलिए एंड करते हैं सेशन को एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो लेट्स एम फॉर वन थाउजेंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली मत भूलेगा बाय बाय